Hello guys, welcome back to my channel The Girl Next Door and thank you for watching this video. So since bahut sari festivities hai Bhai Dooj Diwali, so I thought why not create a makeup look for you guys. Aap log ye makeup look se thoda bahut inspiration le sakte hain, apna makeup look create kar sakte hain Diwali ya jo bhi festivities mein aapko create karna ho. And maine ye makeup look create kiya hai, and to see maine ye makeup look kaise create kiya hai, let's get quickly into this video. तो मैं स्टार्ट करूंगी, पहले अच्छे से अपने फेस को प्राइम अप करूंगी. एंड प्राइम अप करने के लिए आई विल यूज अ मॉइस्चराइजर, एंड दिस इज माय फेवरेट मॉइस्चराइजर विच इज द पॉन्स सुपर लाइट जेल. एंड देन अप्लाई जेनरसली ताकि बहुत ही अच्छे से फेस प्राइम अप हो जाए, एंड देन विल स्टार्ट आवर मेकअप. Next, I'll go ahead and apply foundation. So, foundation के लिए I'm using the Fit Me foundation from Maybelline. This is how it looks, and I am in the shade 310 Sun Beige. And थोड़ा सा glossy and glowy effect लाने के लिए I'll be using the Swiss Beauty liquid illuminator makeup base along with the foundation. Looks something like this, and I am in the shade 02 pink. तो मैं ये दोनों को mix करके अपना base apply करूँगी. ज्यादा हैवी नहीं करूंगी अपना बेस, थोड़ा सा फाउंडेशन लूंगी एंड आई मिक्स विद द इल्यूमिनेटर बिकॉज आई डोंट वांट अ वेरी हैवी मेकअप बेस. इसलिए थोड़ा सा फाउंडेशन यूज करके अच्छे से फेस में अप्लाई करूंगी. सो आई टेकन द इल्यूमिनेटर एंड फाउंडेशन टुगेदर. अब अच्छे से ये दोनों को मिक्स करूंगी, एंड दिस एक्चुअली रिड्यूसेस द कंसिस्टेंसी. तो थोड़ा लाइट और एकदम थिन कंसिस्टेंसी हो जाता है फाउंडेशन का. सो इसको अच्छे से अप्लाई करूंगी एंड देन ब्लेंडेड आउट विद अ मेकअप ब्रश. ऑफकोर्स डू नॉट फॉरगेट योर नेक. तो ऑफकोर्स नेक में तो अप्लाई करना ही है. तो मैंने पीछे बाल मान लिया है ताकि इट डज नॉट एक्चुअली डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम डूइंग द मेकअप. तो अभी एक बफिंग ब्रश लूंगी एंड अच्छे से ये फाउंडेशन ब्लेंड करूंगी. तो अच्छे से मैंने ब्लेंड आउट कर लिया, एकदम परफेक्ट ड्यूई जो फिनिश है वही आया है एग्जैक्टली जैसा मेरे को चाहिए था. नाउ मैं मूव ऑन करूंगी कंसीलर पे. सो फॉर द कंसीलर आई एम अगेन यूजिंग द फिट मी कंसीलर फ्रॉम मेबलिन एंड आई एम इन द शेड 25 मीडियम. सो थोड़ा कवरेज के लिए और जो डार्कनेस है अंडर द आईज कैंसिल आउट करने के लिए मैं थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूंगी. जस्ट एग्जैक्टली हाउ वी अप्लाई, जस्ट टू लिफ्ट द आई पोर्शन और थोड़ा सा आईलेट्स पे, ताकि जो हम लोग आई शेडो अप्लाई करेंगे वो और ज्यादा उभर के आए कलर्स. सो दैट इज वाई थोड़ा सा आईलेट्स के ऊपर भी. नाउ विथ अ ब्लेंडिंग ब्रश, विथ वॉट एवर ब्रश यू फील लाइक ब्लेंडिंग द कंसीलर, यूज करके हम लोग कंसीलर ब्लेंड आउट कर लेंगे. धीरे धीरे कंसीलर को ब्लेंड आउट करना है. टेक योर टाइम एंड अच्छे से ब्लेंड कीजिए ताकि एकदम कंसीलर बहुत अच्छे से कैंसिल आउट कर दे डार्कनेस को अंडर आईज में. सो कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड थोड़ा सा लाइट शेड था बोल के मेरे को वो अंडर आईज में जो हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहिए था कंसीलर से वो मिल गया है. एंड नाउ मैं अप्लाई करूंगी द लूज पाउडर टू सेट माय बेस. एंड अगेन आई एम यूजिंग द फिट मी लूज पाउडर एंड आई एम इन द शेड 15 लाइट. तो अच्छे से बेस को सेट कर लेंगे. तो बेस एकदम अच्छे से हो गया है, हैव सेट इट आउट ऑल्सो रियली वेल. अभी हम लोग मूव ऑन करेंगे टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज द आई शेडो. तो चलिए हम लोग आई शेडो अप्लाई करते हैं. ओके सो मैं आई शेडो अपने आउटफिट से मैचिंग अप्लाई करूंगी. सो सिंस इट इज लाइक डार्क ग्रीन, तो वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशन करके मैं अपने आई शेडो को अप्लाई करूंगी. बट आप लोग का कोई भी आउटफिट हो, भी आप लोग दिवाली या भाई दूज में पहनेंगे, आप लोग को सेम प्रोसेस फॉलो करके कलर्स को चेंज करके सिमिलर आई शेडो क्रिएट कर सकते हैं. सो मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट से आई विल बी पिकिंग अप दिस डार्क ग्रीन कलर. ये जो ग्रीन कलर है मैं इसको अप्लाई करूंगी. ग्रीन कलर को मैं ब्रश पे पिकअप करूंगी एंड अप्लाई इट ऑन टू द आउटर कॉर्नर्स ऑफ माई आई एंड ब्लेंड इट रियली वेल ताकि एक डेप्थ इफेक्ट आए. थोड़ा थोड़ा आई शेडो लेके आप लोग को ब्लेंड करना है.
आई शेडो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो थोड़ा सा आई शेडो लेके आप लोग को वर्क करना पड़ेगा। आई शेडो सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे कॉन्सेंट्रेट करके ब्लेंड करना है। सो मैंने अच्छे से आउटर कॉर्नर्स में डार्क ग्रीन आई शेडो अप्लाई कर लिया है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। नाउ आई विल मूव ऑन टू अप्लाइंग थोड़ा सा लाइट ग्रीन शेडो ऑन टू द इनर कॉर्नर्स, एंड उसके लिए आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, एंड इससे दिस ग्रीन कलर आई एम यूजिंग एंड अप्लाइड ऑन टू द इनर हाफ ऑफ द आई। आई टेक दिस टैप ऑफ द एक्सेस एंड अप्लाइड ऑन द इनर हाफ। सो सिर्फ इनर हाफ में अप्लाई करना है, धीरे धीरे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं इसको। मैं कट क्रीज करके भी इसको अच्छे से अप्लाई कर सकती थी, बट दैट वुड मेक और ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइट ग्रीन कलर, तो वो मेरे को नहीं चाहिए था। दिस इज हाउ आई वॉन्टेड, सो आई विल गो फॉर दिस। इनर कॉर्नर में प्लेस करके वी कैन सी द डिफरेंस। बहुत ही प्यारे ग्रेडियंट इफेक्ट आ गया है एज यू कैन सी, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस। बहुत ही अच्छा ग्रेडियंट इफेक्ट आया है। सो यू हैव टू अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, ब्लेंड करना पड़ेगा धीरे धीरे, एंड देन विल गो फ्रॉम लाइट ग्रीन टू डार्क ग्रीन एज यू कैन सी। सो अभी मैं थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करूंगी, अभी फेस्टिविटीज है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा तो ग्लिटर होना ही चाहिए, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आई शेडो। एंड सिंस दिस आउटफिट ऑल्सो हैज़ लाइक गोल्डन शाइन टू इट, सो मैं सो गोल्डन ग्लिटर अप्लाई करूंगी ऑन दिस आई शेडो। सो फॉर दिस मैं यूज़ करूंगी स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर, एंड आई एम इन द शेड 3 शैम्पेन। सो मैं इसको अपने फिंगर्स में लूंगी एंड इसको ऑन माय आई अप्लाई करूंगी धीरे धीरे, ज़्यादा बिल्डअप नहीं करना है, धीरे धीरे कलर को लेना है एंड देन इसको मैं अप्लाई करूंगी। सिर्फ मिडिल में अप्लाई करना है, ज़्यादा आउटर कॉर्नर्स तक नहीं जाना है। तो मैंने लिक्विड ग्लिटर अप्लाई कर लिया है एंड नाउ इट लुक समथिंग लाइक दिस। सो सिर्फ मैंने मिडिल में अप्लाई किया है, ज़्यादा आउटर या इनर कॉर्नर में नहीं गया है, जस्ट टू गिव दैट इफेक्ट एंड दैट ग्लिटरी लुक आई हैव अप्लाइड इन दिस वे। नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू अप्लाइंग अ जेल काजल एंड आई अप्लाई इट एज एन आई लाइनर, फिर उसको अच्छे से स्मज आउट करूंगी बोथ लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन में। सो फॉर दिस आई एम यूजिंग इंटेंस जेल काजल फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड दिस इज द डार्क ग्रीन शेड। तो मैंने जेल काजल से अपर एंड लोअर लैश लाइन में आउटलाइन कर लिया है एंड नाउ आई विल स्मज इट आउट विद द स्मजर ब्रश। आप ना हो जाए, बस थोड़ा सा स्मज आउट करना है। तो मैंने काजल अच्छे से स्मच कर लिया है अपर एंड लोअर लैश लाइन में, एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड मैं क्या करूंगी, सेम लाइट ग्रीन शेडो फ्रॉम द स्विस ब्यूटी पैलेट से मैं लोअर लैश लाइन में थोड़ा सा अप्लाई करूंगी। तो अब फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है मेरा आई शेडो, एंड नाउ आई विल मूव ऑन टू अप्लाइंग मस्कारा। बहुत अच्छे से मस्कारा लगाऊंगी ताकि मस्कारा अप्लाई करने से और भी ज़्यादा अच्छा एक आई लुक आए। एंड फॉर द मस्कारा आई एम यूजिंग द मेबलिन द कोलोसल मस्कारा। आप लोग कोई भी मस्कारा यूज कर सकते हैं। तो मस्कारा अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है आई लुक, एंड आई एब्सोल्युटली लव हाउ दिस आई लुक टर्न्ड आउट। अभी नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू अप्लाइंग द ब्लश। सो ब्लश के लिए आई एम यूजिंग माय ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे 925 लिप एंड चीक टिंट, जो कि ब्लश के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम करता है, एंड आई एम इन द शेड ब्लश वेलवेट। तो मैं इसको अपने चीक्स पे अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड आउट कर लूंगी।
एब्सोल्युटली लव कैसे, ये बहुत अच्छा एक ब्लश की तरह काम करता है ये लिपस्टिक। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर, एंड फॉर दी हाइलाइटर आई एम यूजिंग मैं मेरा अपना फेवरेट वेट एंड वाइल्ड प्रेशियस पेटल्स हाइलाइटर। एंड दिवाली है तो रात को हम लोग एंजॉय करेंगे, एंड हाइलाइटर तो ऑफ कोर्स लगाना तो बनता ही है। सो मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस में हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। थोड़ा सा इनर कॉर्नर ऑफ द आई में भी अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट लिपस्टिक लगाऊंगी, एंड फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग द नायका अल्ट्रा मैट रेंज इज इन द शेड 06 डायना। एंड मेरा ये लुक कंप्लीट हो चुका है, मैं थोड़ा सा फाइनल टचेस करके आप लोग से मिलती हूँ। सो मेरा फाइनली ये मेकअप लुक ऐसा टर्न आउट हुआ है। फाइनल लुक लुक्स आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग को पसंद आया कि नहीं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया है, एंड अगर आप चाहते कि मैं ऐसे ही फेस्टिव लुक्स क्रिएट करूं ताकि आप लोग को भी थोड़ा मदद हो ये फेस्टिविटीज में मेकअप करने से, या फिर मेकअप इंस्पिरेशन मिले, आप लोग मेरे को जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंटिल देन विल मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।